मुझसे प्यार करना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाड़ी में चल रहे हैं, सॉन्ग तो मैंने वॉइस म्यूट कर दी है और मैं सॉन्ग जब भी चलते हैं तो गाड़ी में ऐसे ही एंजॉय करते हुए ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है एकदम सी से बंद करके बहुत एकदम फुल आवाज़ में सॉन्ग चलाना और साथ में एंजॉय करना और इस बंदे को तंग करना, बहुत मज़े आते हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं लेकिन अब एंजॉय तो मतलब मेरी तो आदत ही है कि मैं हर जगह ही एंजॉय करती हूँ। तो बस अभी हम जा रहे हैं, होटल नहीं जा रहे, उससे पहले हम पहले डिनर करेंगे और डिनर करने हम कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। फ़ोन मेरा डिस्चार्ज होने लगा है लेकिन मैं अभी गाड़ी में ही चार्ज पर लगा दूंगी फ़ोन को, देखो कितना होता है। तो ये है घोड़ा गाड़ी तांगा, शायद इस पर ये अंकल घोड़े के लिए ही घास लेके जा रहे हैं, घोड़े के लिए ही घास लेके जा रहे हैं, घोड़ा खुद के लिए अपनी ही गाड़ी पर घास लेके जा रहा है, देख सकते हो है ना। यस, अच्छी चीज है ना, जैसे कि हम अपने लिए कमाते हैं तो घोड़ा भी अपने लिए खाने के लिए घास लेके जा रहा है। यस, देखो लेकिन जयपुर में ट्रैफिक का कोई मतलब देखभाल नहीं है, कैसे भी इधर से उधर जा रहे हैं उधर से इधर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो हम आ गए हैं चौकी धानी रिजॉर्ट, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी होते हैं, शायद खाने पीने का फेमस जगह है ये, तो इस वजह से। और अनिल लगाने गए हैं गाड़ी को पार्किंग में, तब तक हम देखते हैं हम चलते हैं। सारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जो सोच रही थी ना, जब अनिल ने नाम लिया था कि वहाँ जाना है, मैं समझ गई थी, मैंने यही इमेजिन किया था जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये है चौकी धानी रिजॉर्ट, देख सकते हो आप, और ये बाहर का नज़ारा है इसका, कुछ इस तरीके से है। मेन रोड पर ही है ये मेन रोड, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ही है ये। चलो चलते हैं, बहुत मतलब बहुत टाइम हो गया हमें रास्ते में, उसके बाद फिर हम यहाँ आ पहुँचे हैं। तो अब आ चुके हैं होटल घूम घाम के, कल हम निकल जाएंगे जयपुर से, और ये बैक टू पवेलियन। और ये यहाँ पर बैठने के बाद पूछ रही हैं कि चलें, हाँ चलो आओ, लेट्स गो। तो क्या देना, ये क्या था दोस्तों, फोन डिस्चार्ज होने के कारण मैं आगे वीडियो नहीं बना पाई, बट कोई बात नहीं। तो अभी हम खाना पीना खा के भी आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं रूम में। फाइनली हम पहुंच गए हैं और अभी मुझे करना है एक वीडियो शूट, थक गई हूँ बट करना तो है क्योंकि टाइम नहीं है फिर मेरे पास बिल्कुल भी, बहुत सारे काम करने हैं, तो पहले जाके चेंज करूँगी फिर करूँगी सूट। हमको ये रूम छोड़ना था कल, लेकिन एक्चुअली इस रूम में स्मेल का इश्यू आ रहा है जो कि 24 घंटे से सही नहीं हुआ है, तो हम रूम शिफ्ट करना पड़ रहा है हमको। तो बाकी सब सामान चला गया है और बस ये थोड़ा बहुत रह गया, बस हम भी शिफ्ट करने वाले हैं, तो हम भी जाने वाले हैं। एक्चुअली उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की, रूम फ्रेशनर भी मारा, सब कुछ किया, बट वो स्मेल कुछ तो है, परमानेंट ही है, तो उन्होंने बोला सर रूम चेंज कर लीजिए। तो अभी हम 6626 में हैं, अब हम 6622 में जा रहे हैं। तो देख लो मेरे कैसे चेंज, और ये देख लो ये कैसे है। एक्चुअली वो भैया सब कुछ लेने के लिए मतलब बोले थे, पर हमारा पैक नहीं था तो इसलिए उनको क्या क्या दें हमको, तो फिर पता है, मैं सूझ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता ना कि हम उनको अपने जूते पकड़ाएं, तो हमने बोला सर आप सिर्फ अपने बैग ले जा सकते हो, तो बाकी तो बैग मैं भी रख के आया, बट पर्ची किसकी है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ जूते रह गए तो मैं ले जाऊंगा और बाकी का ये सामान इस झोली में डाल के ले जाएंगे। मैं नहीं इसमें डाल के ले जाएंगे। तो अभी हम इस वाले रूम में शिफ्ट हो गए तो सामान उथल पुथल हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं सेट करके रख देती हूँ, जो कपड़े मैंने पहन लिए हैं ना उनको मैं अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ, जो घर पे जाके मुझे वॉश करने हैं एक्चुअली, तो इस वजह से देखो सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, तो बस मैं रख देती हूँ इनको, क्या करूँ। अनिल चले गए हैं बाहर, तो बस रूम चेंज करने के बाद वहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए और उसके बाद
सारा सामान शिफ्ट करने के बाद बस मैंने किया था एक वीडियो का शूट, और ये जिस वीडियो को मैंने शूट किया है वो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के यहाँ पहुँच गई होगी इस ब्लॉग के आने से पहले। और अनिल यहाँ कर रहे हैं ऑफिस का काम। हाय जानू, हेलो हेलो। और लक्ष्य इधर एप्पल खा रहा है। हाय लक्ष्य, एप्पल खा रहा है और उसका को सीरियल चल रहा है तो सीरियल देख रहा है। तो इन साड़ियों को पहले मैं ट्राई करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फोटो क्लिक करती हूँ, उसके बाद मुझे फेस वॉश करना है और मैं सो जाऊँगी नाइट स्किन केयर करके। कल कहाँ निकलते हैं पता नहीं है कुछ अभी भी, और चूड़ियाँ निकालने का भी मन नहीं कर रहा। मैं सोच रही हूँ मैं निकाल ही नहीं रही क्योंकि नींद भी आंखों में भरी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। आप लोगों ने देखा होगा सुबह से कितनी जगह घूम घाम के थक जाते हैं यार, घूम घाम के आते हैं तो ना बहुत मेहनत करते हैं यार हम लोग। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट करके जाया करो, जब मेहनत करते हैं ना तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। चलो, और आज जो भी साड़ियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं सच में गाइस बहुत ही अमेजिंग साड़ियाँ हैं, उनका फैब्रिक सच में बहुत अच्छा है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वरना मैं शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ लेकिन मुझे उनका फैब्रिक या मुझे पर्सनल पसंद नहीं आते हैं, मैं उनको वापस कर देती हूँ, बट ये मुझे बहुत पसंद आई है पर्सनल। तो चलिए, आंखों में नींद भरी है और बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो लक्ष्य अभी सो के उठ गया, उसने ब्रश कर ली और आके फिर से बेड पर लेट गया है, और अनिल कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। हाय जानू, गुड मॉर्निंग। और मैं पीने जा रही हूँ गर्म पानी, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है इस वाले रूम से, और नीचे ही पूल एरिया है। उस वाले रूम से क्लियर नहीं दिख रहा था लेकिन ये अलाउ नहीं है अभी कोविड के चक्कर में, लेकिन डेली क्लीनिंग होती है इसकी, पता नहीं क्लीनिंग क्यों होती जब अलाउ ही नहीं है। तो वैसे बहुत मज़े आने वाले थे अगर ये ओपन होता था, है ना, बट कोई बात नहीं है। और एकदम धुंध छाई हुई है, धूप हो रही है बट इतनी नहीं हो रही है। मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, आप पियोगे जानू? आप पी लो। तो जब तक अनिल कर रहे हैं काम तब तक मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ तो बस मैंने सोचा कि आराम से बैठ के, लक्ष्य को चार बार मैंने बोल दिया बट वो नहीं उठ रहा है, तो उसके बाद हम नहा के निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब तक अनिल का काम भी फिनिश हो जाएगा और मैं बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लूँगी। तो अनिल गए नहाने के लिए, ऑफिस का काम कर रहे थे तो काफ़ी लेट हो गए, और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी लेट हो गए। मैं नहा के आ चुकी हूँ, लक्ष्य भी नहा लिया है, और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कुछ काम नहीं है क्या करूँ, तब तक थोड़ी सी कर लूँ मैं क्रम्पिंग, क्या करूँ ठीक है, क्योंकि आज हमारा है लास्ट डे तो हमें जल्दी 12 बजे चेकआउट करना है, तो मैं हो गई हूँ तैयार। अनिल भी नहा के आ चुकी है बहुत जल्दी जल्दी में, और हम लोग बहुत लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और अनिल का ऑफिस का काम आ गया था कुछ अर्जेंट वैसे तो वो छुट्टी पे है, बट फिर भी तो अभी जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने। हेलो हेलो, इनको सूज पहनने के लिए भी टाइम नहीं है, तो ये आइए होटल में स्लीपर मिलती है ना इस टाइप की, तो ये पहन के जा रहे हैं, यही पहन के जाते हैं। हाँ। सब लोग होटल में। ओके तुम सिखाओगे मैं तो कुछ बोला ही नहीं। हेलो हेलो, देखो इनकी स्लीपर देखो इनकी, ये आपके साइज की भी नहीं है पता है, ये आपके साइज की नहीं है जानू, बच्चा लगता था बच्चे जैसी फीलिंग, लेकिन ये पहन के नहीं लगती बच्चे जैसी फीलिंग। तो अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलो भाई, इतने सारे आइटम हैं लेकिन इसको कुकी और केक ही चाहिए। हेलो, अनिल चले गए हैं वो देख सकते हो सैंडविच लेने के लिए, और आज भीड़ भाड़ थोड़ा कम है क्योंकि हम लेट हो गए ना तो सारे लोग चले गए, और अच्छा है ये अनिल की ऑफिस की वजह से लेट हो गए थे हम लोग, तो
तो जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो खाने में ऐसा लगता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं क्या खाएं, और जब नहीं होता तब तो फिर पता है वही खाना है। इतना मुंह बना रहे हो, बहुत ज़्यादा मुंह बना रहे हो उसे खाने पर बस उनका हुआ। और लक्ष्य मेरे लिए लेके आया है सैंडविच। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं रूम में। और क्या करोगे जाके रूम में? इनको ऑफिस का काम करना है, मुझे पैकिंग करना है। लक्ष्य कितना टाइम लगेगा, जल्दी से करो, कितना टाइम बाकी है? लक्ष्य छोड़ लिया, वो आ जाएगा, यहीं से ले लेंगे लक्ष्य को, अपन चलते हैं। चलो लक्ष्य, भर गया पेट? पेट भर गया? तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। जाते ही अनिल को लग जाना है अपने ऑफिस के काम में और मुझे लग जाना है पैकिंग में। वैसे तो मैंने पैकिंग कल कर ली थी, बट थोड़ी बहुत बाकी है, वो करूँगी। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे आने वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने अनिल को पहले ही बोल दिया था कि जयपुर आने से पहले कि मुझे वहाँ पर जाना है। तो अनिल ने बोला ठीक है, जयपुर ट्रिप के बाद मैं तुमको वहाँ लेके चलूँगा। तो आज हम लोग चेकआउट करने के बाद वहाँ के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ जयपुर की सारी यादें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अपने कैमरे में कैप्चर कर ली, कैद कर ली, तो हमेशा मैं कभी भी देख सकती हूँ। थैंक यू सो मच।